हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न जी दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को जहां पर हमने पॉज किया था उसके आगे हम शुरू कर रहे हैं और आज भारतीय अर्थव्यवस्था का ये सिक्सटींथ पार्ट है सोलहवा भाग है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का इसके पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में पंद्रह पार्ट कंप्लीट किए हैं इस पार्ट में हम चर्चा करने वाले हैं मुद्रा मुद्रास्फीति मुद्रा अविस्पिति मुद्रा संस्पिति और मुद्रा अपीति इन सबके बारे में तथा तो मुद्रा स्पीति तथा मुद्रा मुद्रास्पित के साथ साथ इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे मुद्रा स्पीति से देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रा अविस्पिति से क्या प्रभाव पड़ता है इससे तो इन सब की विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे तो आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अर्थव्यवस्था के पिछले भाग पंद्रह तक के वीडियो मिस किए हैं तो उनकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारी जितनी भी श्रृंखलाएं चल रही हैं उन सबके रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सके तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं मुद्रा स्पीति की मुद्रा स्पीति क्या होता है मुद्रा मुद्रास्पिति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है मतलब मुद्रा मुद्रास्पीति का एक अन्य नाम मुद्रा प्रसार भी है अगर एग्जाम्स में मुद्रा मुद्रास्पिति की जगह मुद्रा प्रसार लिख के आता है तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है मुद्रा मुद्रास्पीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है मुद्रा स्पीति एक्चुअल में होती क्या है उस पर चर्चा करते हैं तो सामान्यता मुद्रा प्रसार से या मुद्रा स्पीति से जो अर्थ लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि सरकार अथवा बैंक के द्वारा सरकार अथवा बैंक के द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्रा में नोट निर्गमन करने से जो मुद्रा स्थिति होती है तो उससे क्या होता है जो अधिक मात्रा में नोट निर्गमित कर दिए जाते हैं या फिर अधिक मात्रा में नोटों का उत्पादन कर दिया जाता है नोट छाप दिए जाते हैं तो उससे जो मुद्रा की इकाई का जो मूल्य होता है वह गिर जाता है और सामान्य मूल्य स्तर ऊंचा उड़ जाता है मतलब जब मार्केट में जरूरत से ज्यादा आवश्यकता से अधिक नोट आ जाता है तो जो पर्टिकुलर किसी भी वस्तु की बात करते हैं तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रा की जो वैल्यू है जो पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है तो ये स्थिति जो होती है ये मुद्रा स्थिति या मुद्रा प्रसार कहलाती है और विस्तार से समझेंगे मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा उसकी तुलना में कम रहती है मतलब मुद्रा की मात्रा तो बढ़ी है पैसा बहुत हो जाता है और मान लीजिए एक छोटे से एग्जाम्पल से देखेंगे अगर आपके पास पैसा ज्यादा है और किसी भी चीज की जो डिमांड है वो भी ज्यादा और उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसकी जो उपलब्धता है वो कम है तो ऑब्वियसली उसका जो रेट है वो प्राइस उसका हाइक करेगा पर उसके रेट बढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है इस स्थिति को हम मुद्रा स्पिति कहते हैं जब वस्तुओं अथवा सेवाओं की मात्रा मुद्रा की मात्रा की तुलना में कम होती जाती है और मुद्रा की मात्रा बढ़ती जाती है तो बाजार में जब मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति मुद्रा मुद्रास्पीति कहलाती है इसमें क्या होता है कि सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है सामान्य जो मूल्य स्तर है जो बेसिक प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं अब बात करते हैं आवश्यक दशाओं की तो मुद्रा मुद्रास्पीति की जो आवश्यक दशाएं हैं वो कौन कौन सी है इस पर चर्चा करते हैं तो जब मौद्रिक आय एवं उत्पादन दोनों में ही वृद्धि हो रही हो परंतु मौद्रिक आय में वृद्धि उत्पादन की वृद्धि की तुलना में कम हो रही हो मतलब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो, हो रही है आपकी मौद्रिक आय में भी वृद्धि हो रही है और का जो आपका उत्पादन है उसमें वृद्धि हो रही है लेकिन जो मौद्रिक आय है उसमें वृद्धि कम है उत्पादन की तुलना में तो मौद्रिक जो मुद्रा मुद्रास्पीति है वह आवश्यक दशा मुद्रा मुद्रास्पीति की उत्पन्न होती है एक अन्य दशा पर नजर डालते हैं तो जब मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों ही गिर रहे हो परंतु मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में कम गिर रही हो जब मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में कम गिर रही होती है तो यह भी एक आवश्यक दिशा बन जाती है मुद्रास्पीति की जब मौद्रिक आय स्थिर रहे परंतु उत्पादन घट जाए अब एक कंडीशन यह भी आती है कि आपका पैसा स्थिर रहता है मौद्रिक आय स्थिर रहती है लेकिन जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा घट जाता है जाता। तो यह भी मुद्रास्पीति की जो संरचना है या फिर मुद्रास्पीति की जो स्थिति है उसको क्रिएट करता है मुद्रास्पीति इससे उत्पन्न होती है या फिर जब मौद्रिक आय बढ़े परंतु उत्पादन में गिरावट हो रही हो इसकी चर्चा हम पहले भी अभी कर चुके हैं कि मौद्रिक आय आपकी बढ़ रही है लेकिन उत्पादन यहाँ पर उत्पादन गिर रहा है तो वही चीज हो जाएगी कि आपका जो पैसा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और इन सब दशाओं में ये जितने भी दशाए इसमें जो मुद्रा मुद्रास्पिति है वो उसकी स्थिति बनेगी जब मौद्रिक आय बढ़ रही हो परंतु उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे तो ये सब जो कंडीशन है जिसमें मुद्रा मुद्रास्पिति की स्थिति उत्पन्न होती है आगे बात करते सामान्यतः मुद्रा स्पिति की स्थिति उस समय मानी जाती है जब मुद्रा की मात्रा कुल पूर्ति उसकी कुल मांग की तुलना में अधिक हो जाती है तथा परिणाम स्वरूप मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है और सामान्य कीमत स्तर बढ़ने लगती है मतलब चौबीस चर्चा की कि मुद्रा की पूर्ति जो जरूरत से अधिक हो जाती है जितनी हमको आवश्यकता नहीं उससे ज्यादा हो जाती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो मुद्रा का मूल्य जो वैल्यू है पैसे की वो कम होने लगती है और जो सामान्य कीमतें हैं वो बढ़ने लगती हैं तो इस प्रकार स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है अब बात करते हैं भारत में मुद्रास्फीति की गणना की तो भारत में स्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर स्फीति कहलाती है और जो थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन होता है जिस दर से परिवर्तन होता है वह मुद्रा स्फीति की जो परिणाम होते हैं मुद्रा स्फीति के परिणाम होते हैं अब बात करते हैं मुद्रा स्फीति का प्रभाव क्या क्या होता है मुद्रा स्फीति से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं देश की अर्थव्यवस्था पे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति से क्या प्रभाव पड़ेंगे तो मुद्रा स्फीति की प्रारंभिक अवस्था में उद्योग व्यापार रोजगार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और मान लीजिए शुरुआत में जब पैसा बढ़ता है तो उसमें उद्योगों को व्यापारों को रोजगारों को और जो तो आर्थिक विकास उन है उन सबको बढ़ावा मिलता है लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति है ये इनिशियल स्टेज है इनिशियल इनिशियल स्टेज में मुद्रा मुद्रास्फीति की हमको बढ़ावा मिलता है किंतु मुद्रा मुद्रास्पीति एक बार प्रारंभ होने के बाद रुकने का नाम नहीं लेती है बाद में क्या होता है कि मुद्रा मुद्रास्पीति के बढ़ने के साथ साथ हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न हो जाते हैं और यह क्या होता है कि जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं वह एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं मुद्रा की मात्रा बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो वैल्यूज जो है वो जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है और जो अर्थव्यवस्था है संपूर्ण अर्थव्यवस्था वो नष्ट होने लगती है अब बात करते हैं मुद्रा संकुचन अथवा आविस्पिति की मुद्रा संकुचन अथवा अविस्पिति क्या है ये मुद्रा स्पीति का जस्ट अपोजिट होता है इक्वली अपोजिट है मुद्रा स्पीति के जैसे अब स्पीति है तो ये मुद्रा के इक्वली अपोजिट है मुद्रा स्पीति में क्या हो रहा था कि जो पैसे की वैल्यू कम हो रही थी और कीमतें बढ़ रही थी इसमें क्या होता है मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें गिरती हैं इसमें जस्ट उल्टा होता है जब आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है और जो वस्तुएं और सेवाएं हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसकी जब कीमतें लगती हैं ड्रॉप करने लगती प्राइसेस तो मुद्रा संकुचन अथवा की स्थिति कहलाती है लेकिन मुद्रा के मूल्य में होने वाली प्रत्येक वृद्धि तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कोई भी प्रत्येक गिरावट को मुद्रा संकुचन का नाम नहीं दे सकते जब यह निरंतर समय तक होता है और एक निरंतर मात्रा में होता है तो यह मुद्रा संकुचन कहलाता है एक छोटी सी गिरावट भी वस्तु की और मूल्य की जो मुद्रा की मूल्य है उसमें वृद्धि मुद्रा संकुचन नहीं कह जा सकती है मुद्रा संकुचन स्पीति की चर्चा हमने की अब आगे बढ़ते हैं मुद्रा संकुचन के कारणों पर नजर डालते हैं क्या कारण हो सकते हैं तो मुद्रा संकुचन का कारण मौद्रिक आय एवं उत्पादन मात्रा में असंतुलन उत्पन्न होना है सिंपल सी बात है कि जब आपके जो पैसे की वैल्यू है और जो तो उत्पादित होने वाली मात्रा है उनमें जब अनबैलेंस्ड होता है जब दोनों अनबैलेंस्ड होते हैं तो आपका जो वैल्यू है कीमतों की पैसे की नहीं पैसे की वैल्यू तो बढ़ती है लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो ड्रॉप होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन की मात्रा से कम होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन की मात्रा से कम होती है तथा इसके कारण मूल्य नीचे गिरने लगते हैं इसे मुद्रा सम्मी संख्या दी जाती है मतलब जो मौद्रिक आय उत्पादन की मात्रा जो है वह अधिक है और मौद्रिक आय कम है तो उत्पादन की मात्रा जब बहुत अधिक हो जाएगी कोई भी चीज़ जब एक्सेस हो जाती है तो उसके प्राइस ड्रॉप होते हैं तो यही मुख्य कारण होता है मुद्रा संकुचन का अब बात करते हैं मुद्रा संस्फीति की मुद्रा संस्फीति क्या होता है जब अत्यधिक मुद्रा संकुचन के कारण मूल्य में अत्यधिक कमी हो जाती है तो अब वो एक स्थिति आती है जब मुद्रा संकुचन होता है मुद्रा संकुचन क्या होता है ये अभी बात की कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वस्तुएं और सेवाएं उनकी कीमतों में ड्रॉप होता है प्राइस ड्रॉप होता है तो जब ये काफी ज्यादा मात्रा में होता है तो ये मुद्रा संस्कृति कहलाती है इसमें क्या होता है उद्योगपतियों का लाभ समाप्त हो जाता है और व्यापार बंद हो जाते हैं मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री है कोई भी उद्योगपति है जब वो रेगुलर रूप से घाटे में या फिर अपनी कम कीमतों में बिल्कुल भी लाभ प्राप्त करके नहीं बेचेगा तो धीरे धीरे क्या होगा उसका लाभांश गिरने लगेगा उसका लाभ समाप्त होकर एक स्थिति घाटे की आएगी और ऐसी स्थिति में उसका व्यापार बंद हो जाएगा तो मुद्रा संस्तुति व्यापार बंद करने का मुख्य कारण साबित होती है अब जब व्यापार बंद हो जाएंगे तो परिणाम स्वरूप बेरोजगारी भी फैल जाती है साथ ही साथ बैंकिंग एवं बीमा व्यवसाय समाप्त हो जाते हैं जब लोगों के पास पैसा जो वैल्यूज चेंज होती है लोग बेरोजगार होंगे तो बैंकिंग और बीमा ये जो व्यवसाय वो समाप्त हो जाएंगे मतलब जो अर्थव्यवस्था जो है वो भयंकर मंदी में फंस जाती है मुद्रा संस्पिति से जब अब इससे मान लीजिए अर्थव्यवस्था को निकलना भी है अर्थव्यवस्था तो वो मुद्रा संस्पिति में फंस चुकी है तो इससे निकलने के लिए हम मुद्रा मुद्रास्पीति को धीरे धीरे बढ़ावा देने की नीति को अपनाते हैं मुद्रास्पीति कई मायने में लाभप्रद होती है किस मायने में लाभप्रद होती है जब बाजार में मुद्रा संस्पिति की स्थिति होती है तो उस स्थिति में हमको मुद्रास्पीति धीरे धीरे बढ़ानी होती है अब बात करते हैं मुद्रा अस्पीति की मुद्रा अस्पिति क्या होता है तो मुद्रास्पीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए चार बूझ कर मुद्रा की मात्रा कम की जाती है तो मुद्रा अस्पीति की संज्ञा दी जाती है मतलब जान कर हम जो मुद्रा की मात्रा कम करते हैं वो अस्पीति है हमको मालूम होता है कि मुद्रा स्फीति से बाजार में जो हमारी तो तो कहलाती है जैसा कि विवाद की संस्कृति की तो जिस प्रकार मुद्रा संस्कृति का उद्देश्य मुद्रा संकुचन से हानिकारक प्रभावों को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करना होता है ठीक उसी प्रकार मुद्रा स्थिति का जो उद्देश्य है वह मुद्रा स्थिति से होने वाले घाटे से बचाना है अब बात करते हैं मुद्रा स्थिति और आर्थिक विकास के समावेश की किस प्रकार से दोनों संबंधित है तो मुद्रा स्थिति के लिए आर्थिक विकास जो है वो टॉनिक का कार्य करती है मुद्रा स्थिति के लिए आर्थिक विकास एक टॉनिक के रूप में कार्य करती है किस प्रकार से कि मुद्रास्पिति के कारण उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लाभ में वृद्धि होती है अगर मुद्रा स्फीति एक सीमित मात्रा में है शुरुआत में बहुत अधिक लाभ होता है मुद्रा स्फीति में उद्योगपति और व्यापारियों को लाभ में वृद्धि होने से जो उच्च वर्ग के नए उद्योग धंधे लगाने तथा विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है उद्योगपतियों को नए उद्योग धंधे लगाते हैं और अपने व्यापार को वो और ज्यादा बढ़ाते हैं नए उद्योग धंधों की स्थापना से रोजगार पैदा होता है तो इस प्रकार आर्थिक विकास और बढ़ता है आर्थिक विकास का मार्ग जो है धीरे धीरे प्रशस्त होता है यह हम कह सकते हैं कि मुद्रा मुद्रास्पीति की जो प्रारंभिक अवस्था है वह मुद्रा मुद्रास्पीति की निम्न दर है और मुद्रा मुद्रास्पीति अगर है तो वह निम्न दर में रहनी चाहिए और आर्थिक विकास के लिए यह बहुत ही लाभप्रद लेकिन जब मुद्रा मुद्रास्पीति निरंतर रूप से आपका अगर मान लीजिए ग्राफ है मुद्रा मुद्रास्पीति का अगर एक ऐसा लीनियर चल रहा है तो ठीक है अगर ये प्रोग्रेसिव रेट में है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिप्रद साबित होगा साथ ही साथ लाभों में वृद्धि के कारण विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है और जो विदेशी पूंजी भी आकर्षित होती है चूंकि देश में जब लाभ होगा तो जो विदेशी व्यापार है जैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे लेकिन अनियंत्रित मुद्रा स्पीति से आर्थिक विकास की मंदी स्टार्ट हो जाती है तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में चर्चा की मुद्रा स्पीति अस्पीति संस्पिति और मुद्रा अपस्पिति की नेक्स्ट वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था भाग सत्रा में हम अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे सो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सके अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू